नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। शहर के मानपुर स्थित सबसे बड़े रिजॉर्ट सुखदेव क्लर्क्स इन में जलसा इवेंट के द्वारा 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को दो दिवसीय डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि नाइट्स विद डांडिया और लाइट्स कार्यक्रम के आयोजक शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम सामूहिक रूप से जलसा इवेंट और सुखदेव क्लर्क्स इनके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे जस्ट डांस अकेडमी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है और इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क डांडिया का वर्कशॉप भी दिया गया है। शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा यह कार्यक्रम विशेष रूप से शहर के वैसे चिन्हित लोगों के लिए आयोजित किया गया जो बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसे कार्यक्रमों में अपने परिवार के साथ सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और अपनी भारतीय परंपरा पर आधारित ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। 9 अक्टूबर को आयोजित डांडिया कार्यक्रम आयोजक मंडली के द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क केवल प्रशासनिक अधिकारी सैन्य बल और डॉक्टर के परिवार के लिए आयोजित किया गया था। शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि गया शहर में इस तरह का आयोजन पहली बार किया गया और आगे भी किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा मंच पर दीप प्रज्वलित कर माँ दुर्गा की आरती के साथ उन्हें माला और पुष्प अर्पित करके आरंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने माँ दुर्गा को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम में आए सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम के आयोजक शुभम श्रीवास्तव को इस भव्य डांडिया कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद शहर के युवा समाजसेवी नेता रौनक सिंह सेठ के द्वारा मंच पर विराजमान माननीय मंत्री प्रेम कुमार को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि पंडित मुकेश सिवरिया, ASP CRPF 205 कोबरा के DC AGM जितेंद्र कुमार राय, असिस्टेंट कमांडेंट शौर्य चक्र से सम्मानित विभव कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट रॉबर्ट हॉकिप, असिस्टेंट कमांडेंट सुनील कुमार, सुखदेव क्लर्क्स इनके मालिक अनिल कुमार मेहता, इन कार्यक्रम के प्रायोजक नरोमा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार को सामूहिक रूप से अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी अपने परिवार के साथ डांडिया गीत पर हाथों में डांडिया लिए झूमते नजर आए और सबने इस सुंदर कार्यक्रम का बहुत आनंद उठाया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के DSP हेडक्वार्टर सोमेश मिश्रा, वजीरगंज SDPO सुनील पांडे, स्टेशन प्रबंधक दीपक सिन्हा, मुफस्सिल थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद, कई बड़े व्यवसायी कोरियोग्राफर अरुणी भारद्वाज, कोरियोग्राफर आशुतोष कुमार, धर्मेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ मंत्रियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था, जो जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया यहाँ पे, अपने व्यस्तम शेड्यूल से टाइम निकाल कर हम लोगों के साथ अपना समय साझा किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारे साथ डांडिया और गरबा किया। तो मैं उन सभी का बहुत दिल से आभार करता हूँ। सारे तमाम जितना गया के मीडिया बंधु हैं, मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और हमारे लिए कवरेज करने के लिए अपना समय दिया और इतना दूर यहाँ गया में सुखदेव क्लर्क में उपस्थित हुए और हमारे साथ बने रहे इतने देर तक। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप निरंतर हमारे सहयोग करते रहे, हमारे जैसे जो भी ऑर्गेनाइज़र हों, जो इवेंट करते हों, कुछ भी करते हों, उनके साथ सहयोग करते रहे, ताकि वो उनके सहयोग करने से उनका इवेंट सक्सेसफुल होता है और उनको एक मजबूती प्रदान होता है कि जिससे वो कोई भी कार्यक्रम को करने में सहज महसूस ना करें और वो अच्छे से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुभम श्रीवास्तव, ऑर्गेनाइजर नवरात्रि नाइट्स विद डांडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।